हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल किचन टिप्स विद ईशा में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं अपने चैनल पे हमेशा वन टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो लाती रहती हूँ। आज मैं आपको नेल कटर से लेकर कुछ ऐसे हैक्स दिखाऊंगी जो आपने पहले कभी सोचे भी नहीं होंगे। मोस्टली हम जो है नेल कटर का इस्तेमाल अपने नेल्स को काटने या अपने नेल्स को फाइल करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि इसके और भी बहुत सारे उपयोग हैं जो कि हम मोस्टली लोग जो है जानते नहीं हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको नेल कटर से रिलेटेड यूज़फुल हैक्स जो है शेयर करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आपकी लाइफ जो है बहुत ही इजी हो जाएगी। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, अपने घर में हम इस तरीके की लिड्स का तो इस्तेमाल करते ही हैं। जब भी हम कोई नॉनस्टिक बर्तन लेते हैं या नॉर्मली स्टील का कोई बर्तन खरीदते हैं तो उसके साथ हमें इस टाइप की लिड्स मिलती हैं। लेकिन क्या होता है, रेगुलर इस्तेमाल के बाद जो है इनकी लिड्स का ये स्क्रू जो है ढीला हो जाता है। ये देखिए, जैसे कि मेरा ढीला हुआ पड़ा है, तो इसको कसने के लिए भी हमें या तो स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्क्रू ड्राइवर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो हम इसको किससे कसें? तो इसके लिए हम नेल कटर की हेल्प ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा आपके नेल कटर के अंदर इस तरीके से एक टूल सा लगा होता है, इसका इस्तेमाल हम अपने स्क्रूज को कसने के लिए कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में मैं इस लिड का ही स्क्रू कस के दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसकी मदद से अपने घर का कहीं का भी स्क्रू, चाहे स्विच बोर्ड का हो या कहीं का भी स्क्रू हो, वो आप इसकी मदद से टाइट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो नेल कटर के ये अंदर का टूल है इसको लेना है और इसकी मदद से आप इसको टाइट या लूज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप इस तरीके से लिड को टाइट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरी लिड जो है एकदम टाइट हो गई है। इसकी मदद से मैंने स्क्रू एकदम कस लिया और हमारी लिड जो पहले हिल रही थी, ये नोब, अब ये देखिए बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, ये एकदम टाइट हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की वायर्स को लेके। जब भी हम इस तरीके की वायर इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी हम इसको यूज़ करते हैं, तो हमें यूज़ करने से पहले क्या होता है कि इसको हमें जो स्ट्रिप करना पड़ता है, ये इसका जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको हमें निकालना पड़ता है ताकि इसकी जो ये अंदर की वायर है निकल सके। तो इसको उतारने के लिए कई बार तो लोग क्या करते हैं, इसको अपनी गैस के ऊपर रख के इसको गर्म करके इस तरीके से छील के इसका जो ऊपर का ये प्लास्टिक का या रबड़ का जो भी पोर्शन है इसको निकाल देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग तो अपने दांतों की मदद से ही इसको निकालते हैं, जो कि काफ़ी हमारे दांतों के लिए हार्मफुल होता है। इससे हमारे दांतों का इनेमल भी ख़राब हो सकता है, तो इसलिए आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपके घर पर वायर स्ट्रिपर नहीं है तो आप हेल्प ले सकते हैं इस तरीके से नेल कटर की। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने लेना है नेल कटर और इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इस तरीके से घुमाते हुए आपने इसको बाहर की तरफ निकाल लेना है। इससे क्या होगा, ये भी निकलेगा और ये स्क्रू भी आपका निकलेगा। ये निकल गया और साथ में ये आपका स्क्रू भी अलग हो गया। अब हमारा ये जो पोर्शन रह गया है, तो इसकी मदद से अब आप अपने वायर को छील सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा ये वायर स्ट्रिपर बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी मदद से हम अपने वायर्स को इजीली स्ट्रिप कर सकते हैं। अब हम लेंगे ये वायर, वायर का एक सिरा लेंगे और हम इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से फंसा के ऊपर से बिल्कुल इसको हम टाइट कर देंगे और टाइट करके हम इसको जोर से पीछे की तरफ को खींचेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपकी वायर जो है छिल जाएगी और आपकी अंदर की ये जो वायर है वो निकल आएगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। दोस्तों, इस तरीके के बीज तो हमारे घर पे होते ही हैं, मगज कह सकते हैं या आप इसको खरबूजे के बीज कह सकते हैं, खरबूजे के, तरबूज के बीज या हमारे पम्पकिन सीड्स या चिलगोजे वगैरह कुछ भी हमारे घर पे जो होते हैं, इनको छीलने के लिए भी हम या तो अपने मुँह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम इसको अपने खाने में डालते हैं और हम उस खाने को किसी दूसरे को सर्व करते हैं तो वो झूठा माना जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको छीलने के लिए हमें किसी ना किसी ऐसे टूल की ज़रूरत होती है जिससे, जिसकी मदद से हम इसको छील सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें बाज़ार से कोई भी टूल लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप जो है नेल कटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने जैसे ले लिया ये बीज, तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने पहले आपको ओपन करके दिखाया था उसी के साथ ही मैं ये हैक शेयर कर रही हूँ। ये हमारा ओपन खुला हुआ है, हम इसको अंदर बीज को ऐसे फंसाएंगे और इसको सिंपली प्रेस करेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने प्रेस किया है ये ऊपर से इसका मुंह खुल गया है। अब मैं इसको आपको छीलकर दिखाती हूँ, बाकी आप अपने हाथ की मदद लेके पूरा बीज इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अगले हैक में हम नेल कटर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। तो जैसे हम अपने घर पे आजकल, जैसे पता है आपको मच्छर कितने आए हुए हैं, हम अपने घर पे गुड नाइट या रिफ़िल वगैरह का तो इस्तेमाल करते हैं। जब हम मार्केट से इस तरीके की रिफ़िल लेकर आते हैं तो
इसको लगाने के लिए हमें इसके साथ एक टूल मिलता है, ये देखिए इसके अंदर ये वाला टूल होता है जिसकी मदद से हम इसके ऊपर स्टैंड करके हम जलाते हैं। लेकिन क्या करें, ये स्टैंड ऐसा है कई बार हमसे मिसप्लेस हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि अब हम इस अगरबत्ती को किसके ऊपर रख के जलाएं। अगर आपका वो टूल जो है इसके साथ मिलता है वो अगर खो जाए तो आप इसको कैसे जलाएं, तो इसके लिए भी आप नेल कटर की हेल्प ले सकते हैं। उसको कैसे जलाना है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो आप क्या करें, अपनी कॉइल लें, आप लें नेल कटर। नेल कटर तो नेल कटर का ये जो अंदर के जो टूल्स हैं जिनका यूज़ मैं आपको पहले टिप्स में बता चुकी हूँ, उसमें हम ये वाला टूल जो है इसको निकालेंगे बाहर, और ये जो इसका हिस्सा है इसको हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करके हम अपने नेल कटर को स्टैंड कर लेंगे। तो आपने क्या करना है कि ये लेनी है कॉइल, और इसके अंदर जो ये होल बना होता है इस होल को हम इसके इस वाले नोक में अटका देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये स्टैंड हो जाएगी और आप इजीली इसको जला पाएंगे। ये तो हुई हमारी फुल कॉइल जिसको कि हम ऐसे इसके ऊपर स्टैंड करके जला सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम कॉइल को खोलते हैं, आपने नोटिस किया होगा जब आप मार्केट से लेकर आते हैं तो ये कॉइल जो है आपस में जुड़ी हुई होती है, तो हमें इनको अलग अलग पीसीस में करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, कई बार कई लोगों को ये कॉइल खोलनी नहीं आती है, तो क्या होता है कि हमारी कॉइल इस तरीके से पीसीस में टूट जाती है। अब इसको अगर हम ऐसे ही किसी प्लेट के ऊपर रख के जलाते हैं या हम कहीं भी रखते हैं तो ये थोड़ी सी जलती है और ये बुझ जाती है, तो हमें इसको इस तरीके से स्टैंड करके रखना पड़ता है ताकि ये हमारी पूरी की पूरी जल सके। उसके लिए भी मैं आपको हैक बताने वाली हूँ कि आप कैसे नेल कटर की मदद से इसको भी जला सकते हैं। तो आप क्या करें कि ये नेल कटर का ये जो ऊपर वाले हिस्से के बीच में एक होल सा बना होता है, गैप होता है, तो आपने क्या करना है, ये अपनी अगरबत्ती को इसके गैप के अंदर इस तरीके से आप डाल दें और इसके बाद अपनी आप कॉइल को ईजिली जला सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मोबाइल का इस्तेमाल तो हम सब लेडीज़ करते ही हैं और ख़ासकर जब हम किचन में इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्लैब की जो दीवार होती है उसके ऊपर हम इसको टिकाकर अपना कोई भी अपना जो है वीडियो देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होती है, जैसे ही हम इसको दीवार के सहारे खड़ा करते हैं तो इस तरीके से ये स्लिप होके गिर जाता है। तो हम नेल कटर को भी अपना एज ए मोबाइल स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, उस तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ये जो टूल होते हैं उसमें से ये वाले हिस्से को आपने निकालना है और इसको सीधा खड़ा कर देना है। ये देखिए इस तरीके से आपने नेल कटर को इस कंडीशन में रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रखकर इसको अपना मोबाइल स्टैंड बना लेंगे। ये देखिए हमारा मोबाइल है, इसको हम इसकी मदद से, ये देखिए दोस्तों हमारा ये मोबाइल स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से आप अपनी कोई भी वीडियो मज़े से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला हैक होने वाला है हमारा इस तरीके के लोहे के कंटेनर को लेके, जो कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। जब मार्केट से हम इसको लेकर आते हैं तो इसको खोलने के लिए भी हमें किसी न किसी टूल की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका ढक्कन जो इतना हार्ड होता है वो इजीली हमसे खुलता नहीं है। तो इसको खोलने के लिए भी और इसकी अंदर की सील को भी खोलने के लिए हमें किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पर जो है हम नेल कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा नेल कटर में अंदर की तरफ पे इस तरीके से, ये पहले वाले का तो मैंने आपको यूज़ बता दिया कि आप इसको इसकी मदद से स्क्रू खोल सकते हैं। अब रहा इसके अंदर जो ये सेकंड टूल होता है, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपको ये डिब्बा खोलना होता है, इसके ऊपर जो ढक्कन होता है इसको खोलने के लिए भी आपको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो टूल है इसका इस्तेमाल आप इसको खोलने के लिए कर सकते हैं। तो आप सिंपली इसको ऐसे डालिए इसके ढक्कन में, और देखिए जिस स्टाइल से मैं खोल रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ कि आप इसको कैसे खोल सकते हैं। ये देखिए आपने डाला और इसकी मदद से आपका ढक्कन कितनी इजीली खुल गया, आपको कोई भी कोशिश नहीं करनी पड़ी। एक्चुअली में ये डिब्बा मेरा पुराना है तो इसकी सील टूटी हुई है। अगर आपके पास न्यू डिब्बा है और उसकी सील लगी है तो आप उसकी सील भी इसकी मदद से ईजिली इस तरीके से घुमाते हुए काट सकते हैं। टूल का तो मैंने एक दो इस्तेमाल तो आपको ये बता दिए कि आप इसका ढक्कन खोल सकते हैं और इसकी अंदर की सील खोल सकते हैं। चलिए अब इसका तीसरा इस्तेमाल क्या है वो भी मैं आपको अगले हैक में बताने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स नेल कटर के इस हिस्से की तो मैंने आपको एक टिप बता दी कि आप इसके ज़रिए किस तरीके से लोहे के कंटेनर्स की लिड को खोल सकते हैं या उसके अंदर के सील को खोल सकते हैं। और इसका अब दूसरा मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैक शेयर करने वाली हूँ जो कि कई लोगों को पता नहीं होता, अगर जिनको पता भी है तो भी वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसका सही तरीका क्या होता है कि किस तरीके से हम अपने सॉस की बोतल के ऊपर के ढक्कन को खोल सकते हैं। चलिए अब जैसे कि मेरे पास ये बोतल है, इसके हमने ऊपर के जो है कैप को खोलना है,
तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं इसको खोलने के लिए, हम अपने नेल कटर का जो ये हिस्सा है हम इस तरीके से इसके इसको हम डालकर खोलते हैं, जो कि हमारा तरीका ये बिल्कुल गलत है इस तरीके से खोलने का। मैं आपको एग्जैक्ट तरीका बताती हूँ कि आप इसकी मदद से इसको कैसे खोल सकते हैं। इसको खोलने का सही तरीका है कि आप इसके ऊपर वाली साइड ना इसको फंसा के, आप इसके नीचे वाली साइड है इसको आप इसके कैप के ऊपर लगाएं। और इस तरीके से अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कैसे ये इजीली खुल जाता है। नेक्स्ट टाइम से आपको कभी भी ऐसी बोतल खोलनी हो तो आप ये वाली गलती ना दोहराएं। दोस्तों, मेरा अगला हैक होने वाला है ऑनलाइन शॉपिंग को लेके। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और इस तरीके के बॉक्स की पैकेजिंग हमें खोलनी पड़ती है, तो हमें किसी ना किसी नाइफ़ की या सीज़र की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप नेल कटर की हेल्प से भी उसको खोल सकते हैं। उसके लिए आपको जो मैंने बताया है कि ये जो ओपनर वाला हिस्सा है, तो आप उसकी मदद से इसको खोल सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, इस तरीके से उसकी मदद से खोल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले हैक में आपको मैं एक क्लिप ऐड करके दिखा रही हूँ, जो कि मेरी पुरानी वीडियो की है, वो भी इसी से रिलेटेड है, तो मैं वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है नेल्स की कटिंग को लेकर। जब भी हम नेल कटर से अपने नेल्स कट करते हैं, तो क्या होता है कि नेल्स कटने के बाद इधर उधर बिखर जाते हैं, पूरे घर में वो फैल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमने घर में सफाई की होती है, हमें फिर से वो सफाई करनी पड़ जाती है। उसके लिए मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ कि जब भी आप नेल कटर से नेल काटें, तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से आपके घर में कोई भी टेप, सेलो टेप, कोई भी टेप होगी आप ले सकते हैं। मेरे पास सेलो टेप नहीं थी तो मैं इस टेप का यूज़ कर रही हूँ। पिछली टिप में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप इसके एंड्स को फोल्ड करके रख दें तो ईजिली आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने जैसे देखा है, इसको भी मैंने इस तरीके से कर रखा था, तो अब मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसके एंड को निकालने के लिए। ये मैंने इसका एंड निकाल लिया है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से निकाल के ये मैंने टेप को कट कर लिया। इसके बाद अब आप टेप को बीच में से काट लें, या आप इसको पूरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बीच में से काट रही हूँ। काटने के बाद आप इस टेप को इस तरीके से दोनों एंड्स पे लगा दें। अब मैंने टेप जो है इसके दोनों ये साइड्स में लगा दी है। अब आप देखेंगे कि आप जब भी इससे नेल्स काटेंगे, तो नेल्स जो हैं आपके इधर उधर बिखरे हुए दिखाई नहीं देंगे, वो आपके इसी टेप्स के अंदर आ जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे मैंने इसके ऊपर टेप लगा दी थी, अब मैं टेप को रिमूव करती हूँ, तो आप ये देखेंगे कि जो नेल्स मैंने काटे थे वो सारे के सारे इस टेप के ऊपर चिपक गए हैं और वो आसपास गिरे नहीं हैं। देख सकते हैं इसके ऊपर चिपके हुए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है या हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे एक लाइक दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स का फ़ायदा उठा सके। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।